नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लक्सर रुड़की मार्ग पर चेकिंग के लिए निकले एआरटीओ की गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक डंपर से टकरा गई। इसमें एआरटीओ समेत उनके साथ मौजूद कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लक्सर रुड़की मार्ग पर एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान अपनी टीम के साथ चेकिंग पर निकले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी लंढोरा में पहुंची तो उनके ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई और उनकी गाड़ी एक डंपर से टकरा गई। हादसे में एआरटीओ समेत पूरी टीम घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में एआरटीओ कुलवंत सिंह चौहान, कांस्टेबल लक्ष्मण, धीरेन्द्र और नीरज घायल हो गए हैं। वहीं टक्कर की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल में उपचार दिलाया गया, जहां से उपचार के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसी मार्ग पर एसडीएम लक्सर की गाड़ी को भी कुछ माह पहले एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एसडीएम के वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका अभी तक उपचार चल रहा है। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।